सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणोर्मर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सर्वप्रथम सचित आनंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनको नमन करके भागवत प्रारंभ करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, 6 प्रश्नों के साथ में 24 अवतारों का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें सृष्टि का वर्णन है, सर्ग वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें स्थान शक्ति लीला का वर्णन आता है। 26 स्कंद है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें पोषण लक्षण लीला का वर्णन आता है। सप्तम स्कंद में ऊती लीला का वर्णन है, जिसमें 15 अध्याय हैं। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें मनवंतरों का वर्णन आता है। और नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, ईशान शक्ति लीला का वर्णन इसमें आता है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, निरोध लीला का वर्णन आता है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं, मुक्ति लीला का वर्णन आता है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं, जिसमें आश्रय लीला का वर्णन आता है। इस तरीके से 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। इति संपूर्ण श्रीमद् भागवतः। सुखदेव जी महाराज जब कथा पूरी करते हैं तो राजा परीक्षित अपने स्थान से खड़े होते हैं। सुखदेव जी महाराज को तिलक करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, द्रव्य दक्षिणा देते हैं और प्रणाम करके गंगा के तट पर आते हैं। गंगा के तट पर कुशासन डालकर वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। कुशासन डालकर बैठकर वो भागवत सर्प तक्षक के आने की प्रतीक्षा करते हैं। तक्षक का आना डसना ये श्राप की पूर्ति भर है, पर राजा के प्राण तो उसी समय भगवान में समा गए जिस समय श्रीमद् भागवत संपन्न हुई। बोले भागवत महापुराण। भागवत का अंतिम श्लोक याद करें सभी, सभी उच्चारण करेंगे उच्च स्वर में। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस प्रणामो दुःख समनस तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम। श्री व्यास जी महाराज ने अंतिम श्लोक में लिखा है, अरे मनुष्यों, कल काल में जितनी सरलता से तुम्हारी मुक्ति हो सकती और किसी युग में नहीं हो सकती।